हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.7 चैप्टर नंबर फर्स्ट का डिस्कशन हम करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लिखा है हमने कंसीडर द चार्जेस, थ्री चार्जेस है, स्मॉल क्यू एंड माइनस क्यू, कहाँ रखे हुए, एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। एक इक्वलेटर ट्राइंगल अपने पास से दे रखा है, इसका वर्टेक्स पे इस तरीके से रखे हुआ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम रखा हुआ अपने पास में माइनस क्यू, क्यू और क्यू। हमने इसको क्यू वन मान लिया, इसको क्यू टू मान लिया और इसको क्यू थ्री मान लिया है। तीनों जो हम साइड देखेंगे वो सेम होगी, इक्वलेटरल है। एंगल्स जो बनेंगे दो साइड्स में वो 60 डिग्री का रहेगा। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी पार्टिकुलर जो चार्ज अपने पास है, जैसे Q1 पर टोटल कितना फोर्स लगेगा। Q1 पर बच्चों टोटल फोर्स कौन से चार्जेस की वजह से लग सकता है, तो बच्चों वो Q2 और Q3 की वजह से लगेगा। तो Q2 एंड Q3 के कारण टोटल फोर्स इस Q1 पर कितना लगेगा वो फाइंड करना है। इसी प्रकार इस Q2 पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, किसके कारण बच्चों Q2 पर टोटल फोर्स किस किस के कारण लग सकता है, तो Q1 के कारण हो सकता है और Q3 के कारण हो सकता है। तो Q1 एंड Q3 के कारण Q2 पर टोटल फोर्स फाइंड करना है। इसी तरीके से हमें इस Q3 पर भी Q1 एंड Q2 के कारण टोटल फोर्स फाइंड करना है। हम चाहे तो रिजल्टेंट फोर्स ही फाइंड कर सकते हैं। तो पार्टिकुलर चार्जेस पर टोटल फोर्स हमें फाइंड करना है, ये हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे पास में। अब हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ ये देख लेना है कहाँ अट्रैक्शन कहाँ रिपल्सन फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन बच्चों मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लासेस में कुलाम लॉ में समझा रखा है कैसे हम इनके डायरेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि चलो हमें पहले बच्चों Q2 पर फोर्स की बात कर लेते हैं। अब इस पर इस Q2 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा और उसका नेचर क्या होगा, उस नेचर के बेसिस पर हम उससे फोर्स का डायरेक्शन यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले Q3 के कारण Q2 पर फोर्स कितना लगेगा, मतलब हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं बच्चों फोर्स ऑन Q2, Q2 पर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। और Q2 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो देखे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q3, पहले Q3 लगा रहा है। तो बच्चों Q3 लगा रहा है तो फोर्स किस पर लग रहा है बच्चों, टू पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, थ्री लगा रहा है, तो F23 लिखा जाएगा और ये क्या आएगा के Q 400 बच्चों Q है और ये चार्ज भी कितना है Q है, ये भी क्यू है और डिस्टेंस क्या आ गया एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी हमने यह कुलाम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स फाइंड कर लिया, बट डायरेक्शन देखे आप। अब इसके कारण इस पर देखेंगे तो बच्चों ये चार्ज दूर जाएगा रिपल्सन की वजह से, यदि फोर्स लगेगा तो दूर जाएगा, यदि ये दूर जाएगा तो ये फोर्स कौन सा होगा, एफ टू थ्री होगा। ये डायरेक्शन अच्छे से मैंने देख बता रखा है, अच्छे से समझ सकते हैं आप मेरे कुलाम लॉ के जो टॉपिक करवाया था कुलाम लॉ का उससे पहले डायरेक्शन ही मैंने समझाया आपको। तो ये Q2 पर Q3 के कारण फोर्स आ चुका है। इसी तरीके से हम बात करें फोर्स किस पर बचो ऑन Q2, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो ये देखे 2 पर फोर्स लग रहा है 1 की वजह से, तो K Q Q और डिस्टेंस बचो वही एल स्क्वायर आएगा। लेकिन इस बार जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का है, अट्रैक्शन का फोर्स है, तो यानी ये Q1 जो होगा इस पर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा। तो अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा तो Q1 क्या करेगा वो जो Q2 को अपनी साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो Q2 Q1 के साइड में यहां ऐसे जाएगा। तो ये जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ये होगा F21, ये F21 फोर्स हो गया। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों अब है Q2 पर दो फोर्स लग चुके हैं,
एक्ट 2 3 एक्ट 2 1। अब इनका रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट बच्चों हम पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। और ये रिजल्टेंट में मानता हूँ कितना F2 है। और रिजल्टेंट के लिए बच्चों आपको ये एंगल पता होना चाहिए, F21 एंड F23 के मिड का एंगल पता होना चाहिए। एंगल के लिए आपको ये पता है कि ये इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री का होगा, ये कंप्लीट एंगल बच्चों 180 डिग्री का रहेगा। सो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री हुआ। और हम ये भी देख रहे हैं कि F23 एंड F21 भी इक्वल है। देखो मैग्नीट्यूड में हम ये देख रहे हैं, नाउ F23 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, F21 आ रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, चलो यहाँ देखते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की हम बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है भाई आपको, रिजल्टेंट फोर्स बच्चों हम पैरेललोग्राम मेथड से यहाँ देखेंगे। तो पैरेललोग्राम मेथड के बेसिस पर यह रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, मैं F2 का स्क्वायर मान लेता हूँ, F2 मान रखा है, क्या आएगा देखें, F23 का स्क्वायर F21 का स्क्वायर टू F23 F12 और ये cos 120 डिग्री हो गया, ठीक है। सो F2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा F, देखो ये बच्चों ये दोनों सेम है अपने पास में, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और मैं इनको मान लेता हूँ ये F अपने पास है, सपोज F हमने मान लिया इनको, तो यदि ये दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F स्क्वायर टू F स्क्वायर। F मान लिया हमने, हमने क्या माना है, ये F के इक्वल है, यहाँ भी F ही मान लिया, F माना तो ये F स्क्वायर टू F स्क्वायर हो सकता है, cos 120 माइनस हाफ होता है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो F2 का स्क्वायर, तो ये 2F स्क्वायर हो गया बच्चों, ये माइनस का F स्क्वायर हो गया, तो ये F स्क्वायर रहेगा। यदि F स्क्वायर रहेगा तो F2 कितना रहेगा बच्चों, F2 किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, और F अपने पास में क्या है, ये रहा, यही तो है ना F, देखो ये है, तो अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, K Q स्क्वायर और ये L स्क्वायर। तो हम यह देख रहे हैं कि जो F2 आएगा बच्चों वो कितना आएगा, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर आएगा। तो हमने अभी तो केवल Q2 पर फोर्स फाइंड किया है, ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए आप, हो गया नोट। चलो अब हम देखते हैं बच्चों किस पर फोर्स देखते हैं, Q3 पर फोर्स देखते हैं, ठीक है, इसी में करेक्शन करता जाता हूँ मैं, फोर्स ऑन Q3 पर हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ देखें बच्चों Q3 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो Q3 पर Q2 भी लगाएगा, Q1 भी लगाएगा। तो फोर्स ऑन किस पर लग रहा है बच्चों, 3 पर लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। तो बच्चों यदि 3 पर फोर्स लग रहा है तो ये लिखा जाएगा 3, 2 की वजह से, तो ये 2 आ गया, और फोर्स तो बच्चों वही होगा, दोनों चार्जेस क्यू और क्यू, डिस्टेंस एल है, सेम रहेगा। डायरेक्शन हम देखें, इस फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं, F32 का, तो यदि अब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इसको इधर भेजेगा, यदि ये इसको इधर भेजेगा बच्चों तो ये फोर्स कितना हो गया, F32 हो चुका है, ये F32 हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा आपको, अरे बहुत ही स्पेस है अभी, तो ये F32 अपने पास हो चुका है, मैं दिखू ना दिखू बोर्ड दिखना चाहिए, F32 अपने पास में फोर्स हो चुका है। अब हमें यह देखना है कि इस पर, इस चार्ज पर बच्चों इसके कारण तो फोर्स देख लिया, Q1 के कारण भी फोर्स देखना है, द फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, 3-1 लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो ये हम अब देख रहे हैं कि बच्चों 3-2 और 3-1 भी अभी भी सेम है, और F ही मान लेते हैं चलो हम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इस बार अट्रैक्शन का है, तो ये इसका डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन किसका हुआ बच्चों, ये F31 का डायरेक्शन हुआ। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों वही हम पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करेंगे, और मैं मानता हूँ ये रिजल्टेंट F3 अपने पास है,
ये एंगल कितने का बच्चों 60 डिग्री का, तो ये एंगल अगेन कितने का रहेगा 120 डिग्री का रहेगा। तो देखो वह का वही सेम प्रोसेस आएगा, रिजल्टेंट कौन सा है एफ थ्री है, ये कौन है बच्चों 3-2 है, ये कौन है 3-1 है, ये कौन है 3-2 है, ये कौन है 3-1 है, एंगल वही कोस। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों एफ थ्री भी अपने पास सेम आएगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपने पास में एफ थ्री का चाहे डिफरेंट हो सकता है, बट हम ये देख रहे हैं कि एंगल वही 120 डिग्री बन रहा दोनों के बीच में, तो एफ थ्री भी कितना आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर आएगा। बात क्लियर है? अब हमें इस क्यू वन पर फोर्स देखना है, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब क्यू वन पर थोड़ा फोर्स हमें अच्छे से देखना है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन में रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस इससे दिखेगा आपको। चलो देखते हैं, अब सबसे पहले हम बात करें, अब किस पर फोर्स की बात करें बच्चों, फोर्स ऑन क्यू वन, तो ड्यू टू, पहले हम देखते हैं ड्यू टू क्यू टू, क्योंकि क्यू वन पर फोर्स बच्चों क्यू टू भी लगाएगा क्यू थ्री पर लगाएगा और दोनों अट्रैक्शन के फोर्स होंगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो क्यू वन पर फोर्स यदि लग रहा है तो ये Q2 और Q3 दोनों ही Q1 को अट्रैक्ट करके अपने पास में लेकर आएंगे। तो हम बात करते हैं पहले Q2 की वजह से फोर्स, तो बच्चों Q1 पर 1 पर फोर्स है 2 की वजह से, तो क्या लिखा जाएगा F12 लिखा जाएगा, क्या होगा K Q Q डिस्टेंस L स्क्वायर है, देख सकते चार्ज Q ये भी Q है डिस्टेंस वही L स्क्वायर है। लेकिन डायरेक्शन देखें, इसका डायरेक्शन देखें अट्रैक्शन का है, Q2 लगा रहा है तो Q1 को खींचेगा अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो Q1 Q2 की साइड में जाएगा तो इस पाथ से जाएगा, तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ये डायरेक्शन होगी बच्चों F12 का डायरेक्शन हो चुका है, ये F12 का डायरेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से ड्यू टू Q3 तो बच्चों क्या आएगा F, देखो किस पर लग रहा है 1 पर 3 की वजह से K Q Q L स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस तो सेम है डिस्टेंस भी सेम है। अब देखें यदि ये इस पर फोर्स लगा रहा तो ये Q1 क्या जाएगा बच्चों Q3 के पास जाएगा, ये लो पास गया, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, ये 1-3 का डायरेक्शन हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से यदि हम फाइंड करेंगे तो बच्चों ये पैरेललोग्राम मेथड से हम इसका देखो पैरेललोग्राम बना चुके हैं। अब हम ये देखें इन दोनों के मिड का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री ही रहेगा, ये 60 डिग्री रहा और मैंने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो कितना है F1 है अपने पास में, तो पैरेललोग्राम मेथड से एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि F12 F13 के इक्वल है, हम इसको F ही मान लेते हैं। देखो F12 F13 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है तो हमने F मान लिया था कि इजी हो जाए, सो F1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों F स्क्वायर 2 FF cos कितना डिग्री रहेगा बच्चों 60 डिग्री रहेगा, cos 60 डिग्री रहा, वहां 120 आ रहा था तो ये आ गया 2F स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चों 2f स्क्वायर, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सो f1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2f स्क्वायर, f स्क्वायर 3f स्क्वायर हो गया, तो f1 कितना आएगा बच्चों f1 आएगा रूट 3f आ गया, तो रूट 3, ठीक है। f क्या है बच्चों, f कौन है अपने पास में, f है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ चुका है F1 आ चुका है, क्लियर है बात यहाँ तक, तो ये अपने पास बच्चों हमने जितने भी तीन चार्जेस वर्टेक्स पर ले रखे हैं तो उसका फोर्स फाइंड किया है। ऐसे ही बच्चों हमारे एक्सरसाइज में एक स्क्वायर दे रखा है, उस स्क्वायर के वर्टेक्स पर चार चार्जेस है, सेंटर पर चारों चार्जेस के कारण आपसे फोर्स पूछा गया है, पर्टिकुलर चार्जेस पर भी आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।